आपको मैं बता दूं कि हमारा मकसद बेसिकली आपके कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है और आपके हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल आर्क इंग्लिश ओरेकल। हमारा मकसद इनफैक्ट जो है वो शनि पटेल जस्ट वेट, वी आर गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन पर्सपेक्टिव। आई होप यू वुड एंजॉय। Hopefully you would enjoy. We are going to share something very interesting from the comprehension perspective. I hope you would enjoy. Just wait only 2 to 3 minutes. Good evening everyone guys. कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं है। यस 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 यस, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, जस्ट गिव मी 2 to 3 मिनट्स। आप लोग बच्चों अपना कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का इम्प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा मे बी के प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हो इसमें, बट आपको दिखेगा बहुत क्लीन तरीके से। आई होप कि आप इसको पूरा एंजॉय करेंगे। ये बेसिकली अगर विजिबल हो तो मैं चाहता हूं कि आप इसको आराम से देखें। ये बेसिकली हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं आज, ये कॉम्प्रिहेंशन का भी पर्सपेक्टिव बनाएगा। गाइस थोड़ा सा आज एंजॉय करिएगा, क्योंकि संडे को मैं आपकी रेगुलर क्लास नहीं लूँगा, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूँ। मंडे टू सैटरडे आपका इंग्लिश प्रैक्टिस चलेगा, इंग्लिश प्रैक्टिस। लेकिन संडे को हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्वालिटी इन इंग्लिश, यानी कि इस टाइम पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, हिस्ट्री इन इंग्लिश। हिस्ट्री इन इंग्लिश जो है हम लोग इसको देखते हैं आज। तो डियर स्टूडेंट्स, नहीं अगर आप लोगों को आपत्ति हो तो, अगर आपको आपत्ति हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपत्ति ना हो तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स तो मिलेंगे ही, लेकिन एक नया प्रयोग कॉम्प्रिहेंशन के पर्सपेक्टिव से हम लोग
कॉम्प्रिहेंशन पर्सपेक्टिव से ही हम लोग इस वक्त जो है आपके साथ है, कॉम्प्रिहेंशन का ही पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये मल्टी डाइमेंशनल है। इससे आपका जीएस भी ठीक होगा और इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। हम लोग जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं इन इंग्लिश, प्राचीन भारत, और सबसे पहले हरप्पन या जिसका दूसरा नाम है इंडस सिविलाइजेशन या सिविलाइजेशन 2500 से 2500 बीसी टू 750 बीसी के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये करंट अफेयर क्या जीएस के पॉइंट से भी है। इंग्लिश का तो कॉम्प्रिहेंशन होगा ही बच्चों, लेकिन ना इंग्लिश का तो कॉम्प्रिहेंशन आपका पक्का होगा इसमें। बात समझ में आई कि नहीं? इंग्लिश तो आपकी चलेगी ही कन्फर्म, लेकिन इंग्लिश में क्या चलेगा वो आप थोड़ा देख लीजिए। बेसिकली जो इंग्लिश में हम चलाना चाहते हैं वो कुछ सेंटेंस पढ़ रहा है आपके सामने, इसके अंग्रेजी के वर्ड्स जितने भी मिलेंगे वो आप लोग देख लीजिए। आइए, इसमें जो है द ओल्डेस्ट नेम जो है इसका इंडस सिविलाइजेशन का ओल्डेस्ट नेम ये है आपका इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, यही सभ्यता का अंग्रेजी शब्द है। आपको इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू, इंजॉय करिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन यानी पुरातात्विक परंपरा, ट्रेडिशन क्या है परंपरा के अनुसार, द मोस्ट एप्रोप्रिएट सर्वाधिक उचित, एप्रोप्रिएट क्या है बच्चों उचित, सर्वाधिक उचित नाम इस सभ्यता का है हरप्पन सिविलाइजेशन। उसका रीजन क्या बताते हैं इतिहासकार, हिस्टोरियंस टेल अस दैट द वेरी फर्स्ट साइट विच वॉज डिस्कवर्ड इन दिस सिविलाइजेशन वॉज हरप्पा, क्योंकि पहला स्थान हड़प्पा था इसलिए इसका एक नाम हरप्पन सिविलाइजेशन पड़ता है। दूसरा इंडस क्यों नाम पड़ता है, क्योंकि इंडस रिवर के आसपास वाले एरिया से इसके ज़्यादातर साइट्स मिले हैं, ज़्यादातर स्थान, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इंडस सिविलाइजेशन भी इसका नाम है। टाइम पीरियड आप जानते हैं 2500 से 1750 है। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, ये कॉम्प्रिहेंशन ही है बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ देखो, अच्छा वेरी गुड, ऐसे और नरेशन कब पढ़ाएंगे सर, पढ़ा देंगे बेटा पढ़ा देंगे। ये यार ऐसे तो बिफोर क्राइस्ट होता है, बीसी जो है वो बिफोर क्राइस्ट होता है प्यारे बच्चों, लेकिन अब जो है इसको दुनिया में बहुत मान नहीं रहे लोग। अब जो इसका पहले बिफोर क्राइस्ट था ये, लेकिन अब जो है सीएच, अब लेकिन इसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, यानी इसका नाम अब ये जो बीसी आप देख रहे हैं इसको पढ़ा जाता है बी सी ई बराबर बिफोर कॉमन एरा। कारण उसका ये है कि जो क्राइस्ट शब्द था बिफोर क्राइस्ट, ये कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण शब्द है। ऐसा लगता है कि इतिहास की पूरी व्याख्या क्या अंग्रेजियत की मानसिकता से होगी, क्या अंग्रेज ही करेंगे। तो जो बिफोर क्राइस्ट जो बीसी, आपने पूछा कि बीसी क्या होता है, ये बीसी बेसिकली, नीरज सरोज सुन लीजिए ध्यान से, बिफोर क्राइस्ट की जो मान्यता है अब इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और इसके स्थान पे BCE बोला जाता है। क्या बोला जाता है जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या BCE, बिफोर कॉमन ईरा, आफ्टर कॉमन ईरा बिफोर, इस तरह से इसका डिवीजन अब किया जाता है। बाय द वे ट्रेडिशनल है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, लेकिन ये पॉइंट
मुझे जो पता है मैं शेयर करूंगा। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखते हैं, भौगोलिक नज़रिए से, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, दृष्टिकोण, द मोस्ट सूटेबल नेम, सर्वाधिक उपयुक्त, द मोस्ट सूटेबल नेम जो इसके लिए आता है बच्चों, द मोस्ट सूटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये नया जो एक नया आप नाम, अब ये सब सीखिए, इंडस सिविलाइजेशन का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो है मोस्ट सूटेबल नेम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे संकेंद्रण, सबसे बड़ा जो संकेंद्रण था, सेटलमेंट यहां पढ़ेंगे बस्तियां, सेटलमेंट क्या पढ़ेंगे बस्तियां, तो जो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन सेटलमेंट का था वो अलोंग दी इंडस सरस्वती रिवर वैली, ये सिंधु सरस्वती रिवर घाटी के आसपास 80% इसकी बस्तियां यहीं पर हैं, सेटलमेंट अलोंग द सरस्वती, और ज़्यादातर जो बस्तियां हैं वो सरस्वती के आसपास होने के कारण इसका जो नया नाम और जो सर्वाधिक सूटेबल नाम है वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। द मोस्ट एक्सेप्टेड, बिल्कुल द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड, ये इंग्लिश का, ये जो लूसेंट इंग्लिश वाला है, हाँ सब करेंगे, सब करेंगे, द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड, सर्वाधिक, हाँ टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, इसकी भी प्लान चल रही है, टेस्टिंग वगैरह भी होती रहेगी संडे को, वो तो टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दिया करेंगे आपको एक टेस्ट पेपर, आप अपने जवाब दे दिया करिए उसी पर, सारी चीज़ें प्लान हो रहे हैं, धीरे धीरे टाइम लगेगा, अभी हम लोगों ने 1-1.5 महीने तो हुआ ही है इसको यार। द मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड 2500 BC 750 BC, और ये कार्बन डेटिंग की है, ये भी एक अहम फैक्ट है जो आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन का 2500 से 1750 का जो डेट है वो किसके आधार पर है, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर है। जैसे इसकी 2-3 मेथड है, जैसे यूरेनियम मेथड एक होता है, यूरेनियम डेटिंग मेथड एक होता है, कार्बन मेथड होता है, तो सभ्यता का जो जानकारी आया इसका 2500 से 17 का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ असर्टेन्ड बाई द कार्बन 14 डेटिंग इज दैट क्लियर। अभी ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको धीरे धीरे इंजॉय करने चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द आएंगे, इंग्लिश सीखने को मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश का मैंने इसलिए मैटर रखा है कि ताकि हमारा दो पर्पज़ पूरा हो संडे के दिन, इंग्लिश के वर्ड्स भी आपके रिवाइज हों और साथ में जनरल नॉलेज आपका इम्प्रूव हो। अब आते हैं हम लोग एक नए पॉइंट की तरफ, जो लोग भाई इंजॉय कर रहे हैं करते रहिए, जिनको तकलीफ़ है या फिर दिक्कत है कोई बात नहीं, बट इंजॉय कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, ये बात फैक्ट के तौर पे याद रखना है, जॉन मार्शल जो है पहले विद्वान थे, फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म, जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, हु वॉज द स्कॉलर हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, तो सिंधु सभ्यता शब्द का पहले सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया उनका नाम है जॉन मार्शल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें आप इसमें, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, ये भी बड़ी खास बात है, इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, हर क्वेश्चन है अपने आप में, एवरी लाइन इज अ क्वेश्चन। जैसे इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या फिर कैल्कोलिथिक एज, जिसे ब्रॉन्ज एज, कांस्य काल, कैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कांस्य काल भी पढ़ते हैं, इंडस सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसलिए भी बोला जाता है, इस प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब होता है जहां लिपि थी लेकिन
पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी। तो आपकी यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट मिलती है, इंडो स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चंस, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे। सर संडे के दिन लूसेंट चलेगी क्या? पक्का कोशिश करेंगे, संडे को हम लोग लूसेंट चलाएंगे, इंग्लिश का लूसेंट। हम पहले भी पढ़ाते थे अपनी क्लासेज में, और लूसेंट पढ़ाते थे, एनसीईआरटी पढ़ाते थे, तो इंग्लिश की एनसीईआरटी भी पढ़ाने का टाइम लगता रहेगा, लेकिन लूसेंट ही पहले अच्छे से समझाते रहेंगे, ताकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन जीएस के अच्छे हो सकते हैं। और चूंकि सिविल सेवाओं का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम दिए, पास भी किए, तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा कि वो पॉइंट बहुत हाईलाइट करेंगे जो एग्ज़ाम की नज़र से महत्वपूर्ण है। फालतू फालतू चीज़ों पर हम लोगों का फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी समझ हमारी है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से नहीं बन सकते हैं। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये सब, लेकिन फिर भी मोटा मोटी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी भी हम लोग ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न यूपी एंड नदर्न महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र, इन जगहों पर इंडस सिविलाइजेशन का विस्तार था। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब जानते हैं विस्तार ही होता है ना भाइयों, स्प्रेड का मतलब विस्तार। आखिर कहाँ तक थी ये, इसके स्टेट्स कुछ हम लोग, हाँ एमबी बुक तो चलेगी यार, मंडे टू सैटरडे एमबी बुक चलेगी, संडे को अकेला मैंने ये प्लान किया है कि आपके लिए कुछ जीके लेकर आएँ, क्योंकि एसएससी वालों का जीएस कमज़ोर रहता है, तो हमारा दो उद्देश्य था इसके पीछे बच्चों, एक तो इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारा विभिन्न विषयों का जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, बहुत सारा शब्द ऐसा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो समझ हमारी बढ़ेगी इंग्लिश में, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा हमारा, और साथ में थोड़ा सा सामान्य ज्ञान भी बढ़ जाएगा, जीएस भी अच्छा हो जाएगा, तो हमें डबल फ़ायदा हो सकता है। इंग्लिश का प्री का हमारा तो क्वेश्चन ठीक होगा ही, लेकिन जीएस का भी क्वेश्चन थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग मिलजुल कर, और एक एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलता रहेगा हमेशा। अब जरा देखें अगली लाइन पर, बिल्कुल लूसेंट से ही चल रहे हैं हम लोग, इंग्लिश का लूसेंट है। स्कॉलर्स जनरली बिलीव्ड, स्कॉलर्स माने विद्वान, सामान्यतया विश्वास करते हैं कि हरप्पा, घग्गर, मोहनजोदारो, एक्सिस, एक्सिस होता है धुरी, धुरी या केंद्र पढ़ सकते हैं इसको, धुरी या केंद्र पढ़ सकते हैं इसको हम लोग, तो विद्वान ज़्यादातर मानते हैं कि जो हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदारो की धुरी है, ये रिप्रेजेंट करता है हार्टलैंड, हार्टलैंड का मतलब मुख्य भूमि। अब ये शब्द कहाँ मिलने वाले थे अखबार, तो हर जगह हर चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसके लिए अगर हम लोग थोड़ा सा अगर ये प्रयोग कर रहे हैं तो आपके फेवर में कर रहे हैं। बात अलग है कि कुछ लोग जो है ना पढ़ने के नाम पे पता नहीं क्या पढ़ना चाहते हैं, हम तो कहते हैं वैरायटी पढ़िए, वैरायटी से पढ़िए। रिप्रेजेंट द हार्टलैंड, मुख्य भूमि ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो मुख्य भूमि है इंडस सिविलाइजेशन की, बात समझ में आया ना, सिंधु सभ्यता का मुख्य भूमि माना जाता है हरप्पा, घग्गर, मोहनजोदड़ो। द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, नदर्न मोस्ट उत्तर में सबसे ऊपर जो साइट है इंडस सिविलाइजेशन के, वो है रोपड़, जो कि सतलज नदी के किनारे है रोपड़, पंजाब, मांडा जो चेनाब, चेनाब नदी पर है मांडा, जम्मू कश्मीर में है इस समय ये। द सदर्न मोस्ट यानी दक्षिण में सर्वाधिक, सुदूर दक्षिण, सदर्न मोस्ट क्या पढ़ोगे, सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण का जो साइट है यानी स्थान है दक्षिण भारत में, वो है भगत राव, ये भगत राव है, आपने नाम सुना होगा, गुजरात में है अर्लियर, दैमाबाद जो प्रवरा नदी पर है, प्रवरा नदी है, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में है इस समय, तो ये सुदूर दक्षिण के स्थान है, ये सुदूर दक्षिण के स्थान है। इंडस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे ना, हाँ यस। अब ईस्टर्न में कौन कौन सा है, देखो सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, सुदूर उत्तर में रोपड़, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है, सुदूर दक्षिण में
जो स्थान है इंडस्ट्रियलाइजेशन वो भगत राव दैमाबाद महाराष्ट्र में, और द ईस्टर्न मोस्ट सुदूर पूर्वी जो स्थल है स्थल वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आलमगीरपुर, सुदूर पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि सुदूर यानी पूर्वी क्षेत्र में जो सबसे दूर जाके सिंधु सभ्यता का स्थान माना जाता है वो आलमगीरपुर है। द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पश्चिमी जो सुदूर पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है पश्चिम में जाके, वो है सुतका गेंडौर, आपके भी काम आने वाला है बच्चों। थोड़ा बहुत बफरिंग बीच में कर सकता है, नेट की कभी कभी प्रॉब्लम आती है, परेशान मत होना, आपके पास आसानी से चीज़ें जा रही हैं। इसके बाद कैपिटल साइट्स देखें, कैपिटल सिटीज जो राजधानी शहर हैं यहाँ के, वो दो ही हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके बाद पोर्ट सिटी बंदरगाह शहर, पोर्ट का मतलब बंदरगाह पड़ेंगे यहाँ पर। तो बंदरगाह शहर जो आपके हैं, एक लोथल, सुतका गेंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंसी। अब हम लोग इसके जो अंदर पॉइंट्स हैं बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरी उसको जरूर देखेंगे। आप लोगों को रहना चाहिए, अगर आप सही में पढ़ने वाले हैं तो ये सब जानकारियों के लिए भी रहना चाहिए। अब इसमें एक पॉइंट आ रहा है बच्चों, हड़प्पा। हड़प्पा का एक मोटा क्वेश्चन तो आता है कि किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे है, और साहिब ये सब नहीं आता है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। पंजाब पाकिस्तान में, ये इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की है, माधव, ये दोनों लोग थे, और व्हीलर का भी नाम हड़प्पा से जुड़ा हुआ है। यानी हड़प्पा शहर की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बत्स और आपके हैं व्हीलर। बच्चों अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, आप लोग रिएक्शन देते रहना, इन्जॉय करते रहिए बस, प्लीज़ आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। इसी तरीके से हम लोग कुछ और बात करेंगे इसमें। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है, नहीं प्रैक्टिस बैच इसी समय चल रहा है, प्रैक्टिस बैच का टाइम अभी नहीं बदला गया है, लेकिन संडे को हम लोग इंग्लिश पढ़ाएंगे, और इंग्लिश में इंग्लिश की किताब पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में जीके पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में ही आपको तमाम चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन रहेगा मैटर इंग्लिश का, प्रैक्टिस का ही पार्ट मानिए नीरज। अब हम क्या बताएं, बुद्धि विवेक नहीं है हम लोगों के पास बेटा, ये भी प्रैक्टिस है कि आप इन शब्दों के मीनिंग जानो, कि पोर्ट सिटी से पढ़ोगे, और भी मैं अभी बताऊँगा। हड़प्पा रावी नदी का है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बत्स और व्हीलर, मोहनजोदड़ो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस सिंधु नदी पर है, सिंध पाकिस्तान में है, रखालदास बनर्जी का नाम इनके साथ जोड़ दीजिएगा ज़रूर, मैके का नाम भी जुड़ा, व्हीलर का नाम इससे जुड़ा, लेकिन रखालदास बनर्जी का नाम बहुत खास जुड़ा है इससे। इसी तरह से चहुंदड़ो जो है ये सिंधु नदी पर है, ये मैके ने इसको खोजा, मजूमदार ने इसको खोजा, थोड़े बहुत इनके नाम जानना चाहिए, बाकी आप लोगों के पॉइंट से बहुत इसकी डिटेल ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फटाफट दे रहा हूँ। लोथल को ज़रूर थोड़ा सा देख लें आप, जो लोथल बच्चों है, लोथल ये भोगवा नदी पर है, ये भोगवा नदी है, अक्सर पूछा जाता है ये कि लोथल किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है ये। रखालदास बनर्जी, नो प्रॉब्लम सर, बिकॉज SSC टेस्ट एग्जाम 15, कीप इट अप, आई एम डूइंग माई जॉब। और ये गुजरात में है, ऐसा राव से इसको जोड़िएगा, इसको लोथल को। इसके बाद बनावली वगैरह जो है ये सब बहुत नहीं है आप लोगों के वन डे एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिटेल जाने। धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लूनी नदी के किनारे है, और JP जोशी ने इसको खोजा था। किसने खोजा था? JP जोशी ने इसको खोजा था। इसमें जो आपके हड़प्पा में कुछ पॉइंट्स आ रहा है, जैसे हड़प्पा में क्या क्या खास है, तो हम सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो खास है वो जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे अन्नागार मिला, ग्रेनरी होता अन्नागार, 6 अन्नागार मिले, अन्न भंडार, वर्किंग फ्लोर, श्रमिकों का जो
ये तो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लेकिन ये श्रमिकों का आवास, श्रमिक आवास भी यहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन भी जीके का है, आपके एग्जाम का पार्ट है कि श्रमिक आला तो हड़प्पा से, वर्जिन गॉडेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्जिन गॉडेस का जो पिक्चर मिला है वो भी कहाँ से मिला बच्चों, वर्जिन गॉडेस, थोड़ा सा बीच बीच में हैंग कर जा रहा है, तो वर्जिन गॉडेस भी यहाँ से मिला हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। आज संडे को छुट्टी रखने से तो अच्छा है, मैं संडे को छुट्टी रख देता तो क्या फ़ायदा था बताइए भाई, उससे फार बेटर मुझे विकल्प यही लगा। तो अब आ जाइए इसमें, वर्जिन गॉडेस मतलब होता है, आप सिमेट्री जानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सिमेट्री का मतलब है आपका शवाधान का स्थल, समाधान स्थल, ये R37 ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, और बाकी इसमें पेंटेड पॉटरी, क्ले फिगर, ये सब कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो आप आ जाइए मोहनजोदड़ो की क्या खास बात है, इसमें ग्रेट ग्रेनरी तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेट बाथ, स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार बहुत इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, ये भी जीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है, भवन है वो, या फिर एक तरह का स्थापत्य वो कौन सा है, तो स्थापत्य सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कौन सा है, वो है ग्रेट बाथ। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका हो सकता है। असेंबली हॉल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक सभागार था, इसमें सभागार भी कहाँ पाया जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो में ही आप बताएंगे इसको, हर जगह नहीं बता सकते आपको। पशुपति महादेव का जो प्रोटो शिवा सील है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोहनजोदड़ो में मिलता है, पशुपति महादेव प्रोटो शिवा। एक आपका ब्रॉन्ज इमेज, ये कांसे की जो मूर्ति है अर्धनग्न, जो मतलब नूड है एक तरह का वुमन डांसर की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इतने तो पॉइंट कम से कम आप याद कर ही लो भैया मेरे। अब इसको अगर मैं आपके साथ आ गया लेके, तो इंग्लिश में ही तो चल रहा है सब कुछ, तो इंग्लिश तो सुधरेगी ही, दिमाग भी खुलेगा आपका, और साथ में बुद्धि खुलेगी कि कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन सा छोड़ना भी है, क्योंकि एग्ज़ाम का एक विज़न होता है, एग्ज़ाम का एक नज़रिया होता है। आप क्या करते हैं, जब आप लूसेंट खोलते हैं तो इन सबको रटने लगते हैं, इन सबको रटने की क्या जरूरत बताइए, इन सबको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, तो कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, कब्रिस्तान भी कह सकते हैं, सिमेट्री ग्रेवयार्ड है, बिल्कुल ग्रेवयार्ड बोल दीजिए उसको, एकदम ग्रेवयार्ड ही है। तो आप कुछ भी मत पढ़ा करिए, जो जरूरी है वो पढ़ें। चौहंदड़ों को मतलब यहाँ छोड़ना चाहिए था आपको, अगर वनडे एग्जाम देते हैं तो कोई मतलब का नहीं। अगर चौहंदड़ों कभी आएगा तो लिपस्टिक के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ये जो इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉ, कुत्ते के जो वो मिले हैं वो भी, बस बाकी चौहंदड़ों को बहुत तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोथल में कुछ चीज़ें हैं जो आपको, मुझे जैसे लोथल जो है वो जो भोगवा नदी के किनारे है, ये इसलिए JP जोशी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट आपका आता है, डॉकयार्ड यहाँ पर है, डॉकयार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, चावल का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, ये बात खास है यहाँ की, गोदीवाड़ा यहाँ पर है, ये बात खास है यहाँ की, बस इतने नोट करिए जितना बता रहे हैं आप, फालतू नहीं। मेटल वर्क का, शेल ऑर्नामेंट का कोई मतलब नहीं, फायर ऑल्टर, टेराकोटा, डबल वरियल पूछा जाता है कि दोहरा समाधान कहाँ पे था, तो लोथल में उसके साक्ष्य मिलते हैं, लोथल में उसके साक्ष्य मिलते हैं। आप इंजॉय करें या ना करें, लेकिन मैं जो है बहुत बेशरम हूँ पढ़ने पढ़ाने में, मुझे जहाँ ये कड़वी दवाएं हैं, तो कड़वी दवा नहीं खाना चाहता कोई, मीठी दवा सब लोग लेते हैं, तो मैं कड़वी दवा देने के लिए एकदम पागल हो चुका हूँ।
और मैं कड़वी दवा देता रहूँगा ताकि बच्चे सही में सिलेक्शन लें, सिर्फ पढ़ते ना रह जाएं, पढ़ाई के नाम पे सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे तो बड़ा दर्द होगा उनको भी, उनके माता पिता को भी और मुझे भी। कालीबंगा, कालीबंगा की जो खास बात है वो यही सबसे बड़ी है, जुता हुआ खेत। आप लोग अगर एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर तैयार करना चाहते हैं कालीबंगा का, तो जुता हुआ खेत आप इसमें से तैयार करेंगे। और बाकी जो डेकोरेटेड ई ब्रिक्स हैं, सजावटी ईंटें, सजावटी ईंट, ये एक दूसरा पॉइंट है जो कालीबंगा से आपको तैयार करना चाहिए। और बाकी जो है कोई मतलब का नहीं है, सारा पॉइंट छोड़ सकते हैं आप। बनावली में भी आपको कोई खास, आपके एग्ज़ाम से तो खैर कोई खास नहीं है, धौलावीरा ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। धौलावीरा में देख लीजिए क्या इम्पॉर्टेंट है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको मैं जो अगर गाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या निकलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि टू द पॉइंट तैयारी करोगे, आलतू फालतू कचड़ा नहीं भरोगे दिमाग में, आलतू फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। धौलावीरा में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जल निकासी की व्यवस्था, वाटर हार्नेक्सिंग सिस्टम का, इससे बड़ा एग्जाम्पल प्राचीन सभ्यता में कहीं नहीं मिलता है। ये जो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम है, जल प्रणाली, जल को रोकने का जो एक सबसे बड़ा प्रयोग मिलता है वो धौलावीरा में मिलता है। ये खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसमें जो है ओनली साइट डिवाइड इन टू थ्री पार्ट। एक ये खास बात है कि अकेला स्थान था जो तीन पार्ट में बटा है। नहीं तो आपको बता दें कि इंडस सिविलाइजेशन का कोई भी साइट जो होता था, कोई भी स्थल जो होता था, वो दो भागों में बटा था, पूर्वी और पश्चिमी। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। और पश्चिमी भाग जो है शासक वर्ग का था और पूर्वी भाग जो है वो आम जनता का था। ज़्यादातर साइट जो है वो दो भागों में बटे मिलते हैं, पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी दो भाग मिलते हैं। लेकिन धौलावीरा जो है वो वॉज द ओनली साइट विच वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन भागों में बटा हुआ था। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पज, ये एक खास बात है। छोड़, स्टेडियम भी यहाँ पे मिला है, तीन भागों में बटा था। तो तीन पॉइंट आप धौलावीरा से निकाल लिए, एक जो है यहाँ की जल निकासी प्रणाली की सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम को, दूसरा स्टेडियम, और तीसरा ये तीन भागों में बटा हुआ था। सुरकोटडा से जो है एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो घोड़े की हड्डी मिली है ये खास पॉइंट यहाँ का मिलता है, खास पॉइंट आपका है। बाकी यहाँ से छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, बाकी सब छोड़ के आगे बढ़ लीजिए। अब कुछ लोग जो है इतने नफासत में जीते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं सुनेंगे, जबकि इसमें कई बातें वो दिमाग से उतर गई होंगी, एक रिवीजन कर सकते थे वो अगर हमारे साथ रहते, एक रिफ्रेश में रिफ्रेश हो सकता था उनका नॉलेज। लेकिन कुछ लोग टाई लगा के, सूट बूट पहन के, पैंट शर्ट पहन के, जीन्स टी शर्ट पहन के मौज मस्ती करना चाहते हैं और साथ में ये बातें करना चाहते हैं कि पढ़ाने वाले कोई है नहीं, नौकरी मिल नहीं मिल रही है, नौकरी तो मैं बहुत दिल से चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। तो ये जो है जीन्स टी शर्ट और परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं बच्चे जो, इनको थोड़ा जीन्स टी शर्ट उतार के बैठना पड़ेगा रूम के अंदर और लंबे समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आती है, ये बात उनकी समझ में नहीं आती है। दैमाबाद का कोई खास नहीं। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, हम जो चीज़ें छोड़ेंगे वो आप भी छोड़ सकते हैं, विश्वास करिए। मोहनजोदड़ो में चूँकि मुझे समझ है, बस इतना हम आपको प्रमाणित कर देंगे, दो तीन क्लास लेंगे आपको ये भरोसा हो जाएगा कि ये बंदा जनरल स्टडीज़ में भी हमारी बहुत मदद कर सकता है। मोहनजोदड़ो चूँकि सिविल का हमारा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है सिविल प्रिपरेशन का, हम उसको बर्बाद नहीं जाने देंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे और अपने छोटे भाई बहनों में बांटेंगे। द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर है वो है राखीगढ़ी। अभी एक क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट आर्किटेक्चर आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल, तो वो था ग्रेट बाथ। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान किसी को बताना हो तो राखीगढ़ी बताइए। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है कम से कम। इसके बाद कॉमन फीचर जो है ऑफ द मेजर सिटीज़, इसमें जो है कभी कभी
आपके तरफ से तो नहीं आता है लेकिन आपके पॉइंट से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। एक तो सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था इसमें, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम होता है इस तरह से, समतल बराबर बराबर काटेंगे, ये ग्रिड सिस्टम कहलाता है। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, बर्न्ड का मतलब यहाँ पकी हुई, जली हुई नहीं, पकी हुई ईंटें, ब्रिक्स ईंटें, इन कंस्ट्रक्शन प्रयोग आती थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, यानी जो नालियाँ थी वो ढकी थी, अंडरग्राउंड थी। ये बहुत बड़े फीचर हैं। आज मोदी जी जो है स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हैं, ये स्मार्ट सिटी का अद्भुत नमूना सिंधु सभ्यता में देखिए, जब ना टेक्नोलॉजी उतनी हाई लेवल पे थी, फिर भी सिंधु सभ्यता जी। स्टेट का मेरा बाकी है, अभी स्टेट में मैं अभी मेरे अटेम्प्ट बाकी हैं। तो ये जो आपका आया है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, तो जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो आपका है, ये बच्चों आप जानते हैं ढकी हुई नालियाँ थी, जाइंट वाटर रिजर्वर, रिजर्वर होते जलाशय। देखो ये सब शब्द ही तो मिल रहा है बच्चों, जो आप लोग नहीं जानते थे बच्चों, और एग्जाम में आ चुके, बाय गॉड बता रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ कि रिजर्वायर का एसएससी ने क्वेश्चन किया है, रिजर्वायर एसएससी क्वेश्चन कर चुका है। तो बड़ा जलाशय कहाँ मिलता है, धौलावीरा में, ये भी पॉइंट याद रखना। फोर्टिफाइड सिटाडेल, किले बंद, किले बंद लिखना है इसको, किले बंद प्राचीर, आपका एसएससी ने इसमें इसको भी क्वेश्चन देखे, सिटाडेल क्या होता है, आपका रिजर्वोयर एसएससी ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, तो इंग्लिश नहीं इंप्रूव हो रही क्या आपकी, बताइए। आप अगर बुद्धिमान और समझदार हैं तो, और झूठे अगर ताना मारना है तो मारते रहिए कि वह हटाओ वह हटाओ न हटाओ वह हटाओ, ऐसे करना करते रहिए। लेकिन रिजर्वोयर को एसएससी ने क्वेश्चन किया, विथ स्पेलिंग पूछा गया है, सिटाडेल को एसएससी ने क्वेश्चन किया कि सिटाडेल होता क्या, रिएक्शन देते रहिए बच्चों आप लोग, कि जो मैं पॉइंट आपके समझा रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और साथ में मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए आपको ये सब। तो फोर्टिफाइड सिटाडेल की भी बात की गई है, एक अकेला स्थान है, ये खास बात है, चहुंदरो जो है वो फोर्टिफाइड नहीं था। कौन सा इंडस सिविलाइजेशन का ऐसा स्थल है जो नॉट फोर्टिफाइड, यानी वो चारों तरफ से दीवार से घिरा नहीं था, नॉट फोर्टिफाइड था। तो फोर्टिफाइड का मीनिंग पता चला, सिटाडेल का मीनिंग पता चला, क्या नहीं पता चल रहा है, सिटाडेल आया है। हाँ नीरज भाई ने देखो सपोर्ट किया, क्योंकि फैक्ट है, हम कहीं झूठ बोलते नहीं, आपके साथ जो भी बात करेंगे करेक्ट करेंगे, सही करेंगे। हाँ इंजॉय करते हैं फ्रेंड सर्किल में गपशप मारने में, बोल सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों से और औलाद से नहीं बोलते हैं, अपने बच्चों से और विद्यार्थियों से, और ख़ासतौर से करियर के मामले में झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ ऐसे कोई मौज मस्ती होगी तो मार सकते हैं का डायलॉग, लेकिन करियर के मामले में झूठ नहीं बोल सकते। जो सत्य है सिर्फ वही सामने लाऊंगा। सुरकोटड़ा के बारे में देखें क्या लिख रहा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुजरे, द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स। देखो अकेला पॉइंट किस लिए लिखा, सुरकोटड़ा इसलिए आया क्योंकि घोड़े के अवशेष अगर कहीं से मिलते हैं इंडस सिविलाइजेशन में तो सुरकोटड़ा से मिलते हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, सुरकोटड़ा से मिलते हैं। ये पॉइंट हमें याद नहीं रखना चाहिए बच्चों, सुरकोटड़ा से क्या मिलता, घोड़े के अवशेष मिलते हैं। द ओनली साइट, केवल अकेला स्थल, एक अकेला स्थल है जहां से घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, एक अकेला स्थल है जहां से, और रिमेन्स क्या है, अवशेष, रिमेन्स का मतलब अवशेष। तो घोड़े के अवशेष कहां से मिलते हैं, वो आपका सुरकोटड़ा है। मेन क्रॉप के बारे में थोड़ा सा जान लिए, ज्यादा नहीं, ये दो बस। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, गेहूं जौ, गेहूं एवं इतना तो याद कर लो कम से कम। तो ये क्वेश्चन ये भी हो गया भाई, ये इंडस सिविलाइजेशन का मुख्य फसल क्या था, तो गेहूं और जौ। अब थोड़ी बहुत बात कहें ऐसी इस तरह से हैं, जैसे चावल का जो है लोथल में, रंगपुर में चावल को लेके दो बातें आती कि लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिलते हैं। अदर क्रॉप की बात करें तो खजूर है, सरसों है, इस तरह के वर्ड्स भी आपका, कॉटन वॉटन है, ये सब है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस पीपल वर द फर्स्ट,
इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, सिंधु सभ्यता के लोग पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का पैदा किया, कॉटन पैदा किया। मैं समझता हूँ कि ये मेरी नज़र में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपका उठ सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से उठ सकता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि चावल का अवशेष कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकता है, बनता भी रहा है। एनिमल्स की जहाँ तक बात है तो इसमें कोई खास नहीं है, बहुत सारे एनिमल हैं इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीप है, गोट है, हम्पलेस बुल है, बुफेलो, बोअर, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोर, टाइगर। लेकिन आप बड़ी मज़ेदार बात देखें कि बुल की बात की है लेकिन काऊ की बात नहीं मिलेगी आपको यहाँ। काऊ जाके मिलती वहीं इंडस उसका वैदिक में, लेकिन हम इसको कैसे डिनाई करें, इतिहासकार का विषय है, हम लोगों का मुद्दा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। लायन वॉज नॉट नोन, ये इंपॉर्टेंट है कि शेर की अगर बात करें, क्योंकि शेर देखो एनिमल में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट नोन टू। अब देखो नोन का जो टू प्रेपोजिशन एग्जाम में आए कि नहीं है, बोलो इसको SSC ने पूछा कि नहीं पूछा। नोन के साथ अगर somebody जोड़ना है तो बीच का प्रेपोजिशन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बने हैं जैसे ही इज नोन टू या बाई मी, तो टू भी आता है बाई भी आता है, लेकिन जनरली टू के साथ इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बस बीच में आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिए पढ़ाने की, मैनेज मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो दम लगाता रहूँगा। अब एक पॉइंट आ रहा है, देयर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन टू। इनलैंड मतलब होता है आंतरिक एवं वाह व्यापार, तो इनलैंड भी था, फॉरेन ट्रेड भी था। फॉरेन ट्रेड विद, और जो फॉरेन ट्रेड था वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामिया सुमेरिया, जो कि इराक है आज का, आज का इराक क्या है, सुमेरिया, मेसोपोटामिया। तो कह सकते हैं कि हमारा इंडस का व्यापार किससे था, इराक से था, इराक से था, जो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया या सुमेरिया के नाम से नीरज भाई अब ये तो आप जानिए, ये इतिहासकार जाने, ये सब इतिहास में कुछ चीज़ें हैं। मेसोपोटामिया जो है वो इंडस का, ज़्यादा विवाद के विषय ना पकड़िए, क्वेश्चन जो आते हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, देखते रहिए। सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो इराक से था, जो कि प्राचीन काल में मेसोपोटामिया सुमेरिया के नाम से जाना जाता था, बहरीन से था, बहरीन से भी हमारा व्यापार था। फ्लरिश का मतलब होता है विकसित हुआ, यानी हमारा आंतरिक वह व्यापार विकसित हुआ, फ्लरिश हुआ, विकास किया, फ्लरिश करना। देखो ये दो तीन वर्ड देखो, फ्लरिश FLOU और परंपरा, शब्द परंपरा मिली हमें, फ्लरिश, ट्राइब, ये ट्रेड के साथ जुड़ती क्रियाएं हैं। अगर व्यापार बहुत पनप रहा है, किसी का विकसित हो रहा है, तो THRIBE, थ्राइव और फ्लरिश, ये दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं, ये दोनों वर्ड इम्पॉर्टेंट हैं। जरूर काओ भी रहा होगा, अरे ठीक है यार छोड़ो, मजा लो, आपको मैं जानकारियां जो शेयर कर रहा हूँ उनके साथ जुड़िए। आप लोग प्लीज़ फोकस नहीं कर रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा हूँ कि फ्लरिश और थ्राइव जो है वो ऐसी क्रियाएं हैं जो ट्रेड से जुड़ती हैं, जिनका मतलब होता है व्यापार का विकसित होना, तरक्की करना, प्रगति करना। तो हम प्रोग्रेस क्रिया जानते हैं, लेकिन प्रोग्रेस, फ्लरिश, थ्राइव इनसे भी जुड़ जाएं। तो मैंने बोला था आपसे, मैं दोनों मकसद लेके चलूँगा, इंग्लिश भी इम्प्रूव करूँगा, बच्चों के पढ़ने की क्षमता को भी पैदा करूँगा, और जो अच्छे अच्छे GS के पॉइंट हैं वो भी मैं उठा के लाऊँगा। आने वाले समय में मैं एक NCERT लेके आ रहा हूँ, NCERT क्लास 8th का, 8वीं कक्षा की, इंग्लिश में NCERT है, उसके पन्ने दर पन्ने में आपको इसी तरह पढ़ाता रहूँगा, और जितने शब्द आएंगे सबको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए, बस आप फ़ायदा लें, आपका भला हो, इसके लिए मैं जा रहा हूँ इसके साथ। अब इम्पोर्ट कहाँ से क्या क्या होता था, बहुत ही अहम बातें हैं ये, हालांकि आपके लेवल पे थोड़ा सा डीप हो सकता है, तो मैं दो तीन का बता दूं कि गोल्ड जो है वो कोलार से, जो आज भी होता है, गोल्ड जो है वो आज भी कोलार से ही होता है।
सिल्वर जो है अफगानिस्तान से कम एक एक तो याद कर लो, ज़्यादा याद ना करो तो, और बहुत याद करके परेशान हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि टिन जरूर एक तैयार कर लें अफगानिस्तान से, बिहार से। कॉपर तो आज भी फेमस है राजस्थान के खेतड़ी से, उसको तो वैसे भी तैयार होगा। तो ये जो है दो तीन चीज़ें जो है वो तैयार करके आप इनको इग्नोर कर दीजिए। इसके बाद एक्सपोर्ट देखें, इसमें भी कुछ खास पॉइंट नहीं है, तो मैं जहाँ जहाँ इग्नोर कर सकते हैं करूँगा आपके लिए। जैसे एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉटन गुड्स, ये सब एक्सपोर्ट होता था, कृषि के उत्पाद, कॉटन के उत्पाद, टेराकोटा फिगरेन जो होती मिट्टी से बनी मूर्तियाँ, पॉटरी मिट्टी के बर्तन, भाट है ना, सर्टेन बीड्स, मनके गुड़िया होते हैं जो जिनसे माला वगैरह बनती, चौहंदड़ो इसकी फैक्ट्री मानी जाती थी। चौहंदड़ो तो बीड्स का फैक्ट्री था भाई साहब, अगर ये पूछें कि बीड मेकिंग फैक्ट्री कहाँ थी, यानी मनके बनाने का फैक्ट्री कहाँ था, तो वो चौहंदड़ो में था। कौंच जो है वो शंख वगैरह होते हैं, ये सब लोथल वगैरह से। आइवरी हाथी दांत है, तो हाथी दांत के प्रोडक्ट भी होते थे। अब आप एक पॉइंट और देखें इसमें, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, एक बहुत रोचक फीचर माने विशेषता, ये सब अंग्रेजी है भैया सीखो, एक बहुत रोचक विशेषता इस सभ्यता की वॉज मतलब थी कि क्या थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आयरन वॉज नॉट नोन टू पीपल, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु सभ्यता के लोगों को, इसीलिए तो इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन बोलते हैं, लोहे का ज्ञान नहीं था। अब मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एक लेक्चर दे दूँ, छोटा मतलब समझा दूँ एक चीज़, इंडस सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी, और आगे चलकर जब बौद्ध काल आया, तो जब लोहे का ज्ञान हुआ उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक में, तो लोहे के ज्ञान के बाद एक और अर्बन सिविलाइजेशन होती है जिसे दूसरी शहरी अर्बन रेवोल्यूशन कह लें, दूसरी शहरी क्रांति। पहली शहरी क्रांति है सिंधु सभ्यता, दूसरी शहरी क्रांति है जो बौद्ध का काल था, जो षोडश महाजनपद वगैरह था उस दौरान, और तीसरी शहरी क्रांति होती है मध्यकाल में, मेडिवल इंडिया में तीसरी शहरी क्रांति होती है। तो दे वी इंडियन हिस्ट्री हैज़ थ्री इम्पॉर्टेंट अर्बन रेवोल्यूशंस, भारतीय इतिहास की तीन महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं। द सुमेरियन टेक्स्ट, सुमेरिया वही आप जान ही रहे, इराक के जो टेक्स्ट थे सुमेरिया से, वो रिफर माने इशारा करते हैं ट्रेड रिलेशन, व्यापार संबंधों का, रिलेशन का प्रीपोजिशन एसएससी क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया, हाँ ना बोलो, ट्रेड रिलेशन विद मेलुहा, मेलुहा से व्यापारिक संबंध बताते हैं, विच वॉज द नेम ऑफ द इंडस रीजन, जो सिंधु सभ्यता क्षेत्र को दिया गया नाम था, यानी मेलुहा शब्द किसे नाम दिया गया था, सिंधु सभ्यता को। तो सुमेरियन टेक्स्ट मतलब होते हैं ग्रंथ, सुमेरियाई ग्रंथ में ये संकेत मिलता है कि सुमेरिया का, इराक का जो व्यापारिक संबंध था वो मेलुहा से था, और मेलुहा कौन है, सिंधु क्षेत्र, मेलुहा कौन है, सिंधु क्षेत्र है, मेलुहा है सिंधु क्षेत्र। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस मज़ा आ रहा है तो बस हाँ बता दीजिए, और बने रहिएगा, बने रहिएगा, मैराथन क्लास है, लंबी चलेगी, लंबी चलेगी, लगभग 6:30 तक चलने वाली है, बने रहना, लगातार चलेगी। शतघई एंड मुंडी गाक ये भी प्लेस हैं, थोड़ा हिंदी का साउंड हो सकता करेक्ट ना हो यहाँ, मुंडी गाक मतलब इंडस साइट्स फाउंड, ये सिंधु सभ्यता के स्थान हैं जो अफगानिस्तान में मिलते हैं। इनको लेके भी ये क्वेश्चन आता रहा है कि भैया अफगानिस्तान के कौन से वो स्थान हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं, तो वो जो है ये दोनों स्थान पूछे जाते हैं। रिवाइज करिएगा वीडियो को, मज़ा आएगा आपको रिवाइज करने में, देखना आप जब दोबारा देखेंगे तो और मज़ा आएगा। अभी ध्यान से सुनते रहिए, फिर आप जरूर ये सब रेगुलर चलाएंगे, मैं इसको पूरा निपटा दूंगा, इतिहास को एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा डालूंगा पूरा, फिर इसके बाद मेडिवल इसका पढ़ाऊंगा, फिर इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री है लूसेंट का उसको पढ़ाऊंगा,
और इसके बाद फिर मैं ज्योग्राफी पर चला जाऊंगा, भूगोल पर, फिर पॉलिटी पर, मतलब सब पढ़ा देंगे एक एक करके। अब तो मेरे पास बहुत सही माध्यम मिल चुका है आपको पढ़ाने का, मैं तो बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। अब द सुमेरियन टेक्स्ट ऑल्सो रिफर, सुमेरियन ग्रंथ जो है वो रेफर करते हैं टू इंटरमीडिएट स्टेशन। इंटरमीडिएट स्टेशन माने इंटरमीडिएट स्टेशन जो होते हैं वो मध्य के स्थान, मध्य के स्थान। दो इंटरमीडिएट स्टेशन जो है वो एक तो डिलमुन बहरीन में है, डिलमुन और एक माकन जो मकरान कोस्ट में है। ये सुमेरिया और इंडस, जैसे ऐसे पढ़ लो इनको, सुमेरिया और यहाँ मेलोहा मान लीजिए, तो बीच में यहाँ पे एक स्थान जो है वो डिलमुन और एक स्थान जो है वो प्लस एक और स्थान है वो माकन। ये दो बीच में, अब जब व्यापार सुमेरिया से चालू हुआ या मान लो यहाँ से चालू हुआ तो ये बीच में जाते थे तब, तो यहाँ रुकने का जगह था, यहाँ रुकने का जगह था, और यहाँ से आते तब भी यही जो रुकने की जगह थी, ये रुकने की जगह थी। तो डिलमुन और माकन, ये डिलमुन और माकन ये जो है वो इंटरमीडिएट स्टेशन थे। हाँ, इंटरमीडिएट स्टेशन। लेखन कड़ा की उचित प्रणाली सुमेरियन सभ्यता से, बिल्कुल। द हड़प्पन्स वर, हड़प्पा के लोग, ऐस लग गया तो क्या पढ़ दोगे, हड़प्पा के लोग वर द अर्लीस्ट पीपल, ये प्रारंभिक लोग थे। ये इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही, प्रारंभिक लोग थे थोड़ा सा राइटिंग अब धीरे हम इंप्रूव कर रहे हैं लोग थे, पेन टैप के चलते ज्यादा खराब हो जा रहा है ना। टू प्रोड्यूस कॉटन, जो कॉटन उत्पादन करते थे, हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट, ये तो हम लोग पहले लीजिए, इट वॉज कॉल्ड। और ये जो खास पॉइंट है जीके का, वो क्वेश्चन बनता है कि ग्रीक्स जो है वो कॉटन को क्या बोलते थे, ग्रीक्स जो है वो कॉटन को क्या बोलते थे, तो क्या बोलते थे, सिंडन। ये पॉइंट भी मुझे लगता है कि याद रखा जाना चाहिए, बात समझ गया ना। हाँ, कॉस्ट थे। एज देर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन, अब आप एक और क्वेश्चन आ जाता है इंडस सिविलाइजेशन का, इसमें सिक्कों का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कॉइन नहीं थे। बार्टर इज अज्यूम, बार्टर मतलब होता है एक्सचेंज, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक्सचेंज सिस्टम, विनिमय प्रणाली, आदान प्रदान प्रणाली। एक्सचेंज सिस्टम अज्यूम्ड मतलब माना जाता था टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम का जो मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए कि इंडस सिविलाइजेशन बेसिकली बार्टर सिस्टम पे चलता था, यानी यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक दूसरे को चीज़ें अदला बदली होती थी। लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट, लोथल एक प्राचीन बंदरगाह है, पोर्ट यहाँ पे बंदरगाह। लोथल एक प्राचीन बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन और ये सभ्यता शहरी थी। ये सब बातें आपके जहन में रहनी चाहिए अगर आप सिंधु सभ्यता पढ़े हैं ठीक से, तो कम से कम इतनी बातें माइंड में घुस जानी चाहिए आपकी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गॉड्स इन टेम्पल, यानी नो टेम्पल। अगर आप देखें तो नो टेम्पल कॉन्सेप्ट, यानी सिंधु सभ्यता में कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। ये क्वेश्चन पीसीएस ने कई बार पूछा कि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, दिस क्वेश्चन हैज टेकन प्लेस इन एग्जाम मैनी अ टाइम्स। नो टेम्पल इन फैक्ट हैज बीन, कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, अर्थ अनअर्थ का माने कोई भी मंदिर वास्तव में, इनफैक्ट मैंने वास्तव में सामने नहीं आया, अनर्थ मैंने खोजा नहीं गया, खोजा गया, अब चूंकि नॉट लगा है, नो लगा है तो नहीं खोजा गया, तो बेसिकली नहीं के साथ पढ़े, नहीं खोजा गया, नहीं मिला या नहीं मिला। अनअर्थ का मतलब किसी चीज को खोलना है, उजागर करना है। अनअर्थ को अगर हम लोग
ऐसे देखें तो एक पर्यायवाची आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो रिवील भी आता है, खुलासा करना भी इसका एक मीनिंग होता है, खुलासा करना, इनको भी ध्यान रखना है। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरिन, फिगरिन माने होता कलाकृति, आकृति, कलाकृति, इज द मदर गॉडेस। तो सबसे ज्यादा आम पाई जाने वाली वो मातृ देवी की जो है वो मूर्तियां मिलती हैं यहाँ पर, मातृ देवी और शक्ति भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये भी बहुत अहम पॉइंट है, मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, प्रकृति की पूजा करते थे, ये बातें भी सामने आ चुकी हैं। और देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवलेंस ऑफ योनि, जिसे इंग्लिश में फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, तो योनि वर्शिप भी सिंधु सभ्यता में होती थी, वो प्राकृतिक चीज़ों पे बहुत भरोसा कर सकते। कंसाइज का मतलब होता संक्षिप्त। ये क्वेश्चन किसका है, चांदनी का। कंसाइज शब्द पूछ रहा ना, कहाँ पे आया था पहले मुझे दिखाओ जरा, सिचुएशनल हम देखें कहाँ पे था बेटा, किस लाइन में कंसाइज आपने देखा, क्योंकि शब्द का मीनिंग कई बार विषय के अनुरूप लिया जाना चाहिए। तो आप जरा मुझे पॉइंट आउट करो, जहाँ पे आपने देखा वहाँ पे ले लीजिए, पॉइंट आउट करिएगा जहाँ पे वर्ड मिला, तो मैं उस शब्द को फिर से पढ़ दूंगा। द मोस्ट कॉमन फिगरिन, ये माध्य एविडेंस प्रिवलेंस, प्रिवलेंस माने प्रचलित, प्रिवलेंस का मतलब क्या पढ़ोगे, प्रचलित। प्रिवलेंस का मीनिंग क्या पढ़ोगे, प्रचलित के सेंस में पढ़ोगे इसको। एक बार पहले एक मिनट का ब्रेक ले लो, सांस ले लो, मुझे बताओ कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जबरदस्ती का मत बोलना, हाँ जबरदस्ती हम कोई काम नहीं करना चाहते। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो दिल से बोलिएगा, मैं बहुत दिल से पढ़ाता रहूँगा और आप लोगों के जीएस को इम्प्रूव करा दूँगा। खटाक से बोलिए, आपकी कोई आवाज़ ही बात, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, आपका रिएक्शन तो मिनिमम आ जाना चाहिए ना हमारे पास। भैया देखो सनी पटेल तो एंजॉय कर रहे हैं, राकेश कुमार भी ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हैं। लाइन में नहीं था सर, क्या लाइन में नहीं था, व्हाट आर यू सेइंग। कंसाइज का स्पेलिंग फिर सी आई एस ई होना चाहिए ना, चांदनी सिंह स्पेलिंग गलत लिखी है। राजू यादव सर मज़ा आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सानी प्रेमचंद जी। संडे को बंद रखने से अच्छा है कि कुछ रोचक और कुछ क्रिएटिव काम किया जाए, क्योंकि अगर कभी जाना पड़ेगा तो हम बता दिया करेंगे, कम्युनिटी में मैसेज डाल देंगे छुट्टी अगर कोई रहेगी तो। मनीष भी इंजॉय कर रहा है भाई, रंजीत भी इंजॉय कर रहा है, नीरज सरोज कह रहे हैं कंटिन्यू करते रहिए, चलिए तब कंटिन्यू करते रहेंगे हम, जरूर करेंगे। ये देखो आप जरा इसमें, द चीफ मेल डीटी वॉज द पशुपति, मेल डीटी माने होता है पुरुष देव, यानी पुरुष देवता कौन थे वहां पर, एक पुरुष देवता भी इसमें मिले हैं सिंधु सभ्यता में और उनका नाम था पशुपति महादेव। अहम पॉइंट है, पशुपति महादेव, द लॉर्ड ऑफ एनिमल, एनिमल के देवता प्रोटो शिवा, आद शैव, रिप्रेजेंटेड इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर, वो योग आसन में बैठे हैं, योगिक पोस्चर को आप बोलेंगे योगासन, योगासन मुद्रा। योगिक पोस्चर में बैठे हैं, ही सराउंडेड बाई, और वो घिरे हुए हैं, सराउंडेड का मतलब घिरे हुए, घिरे हुए हैं बाई फोर एनिमल, चार एनिमल से। और इनको कौन कौन घेरा है, एलिफेंट घेरा है, ये
पीसीएस वगैरह स्टेट लेवल पे आता है क्वेश्चन, एनिमल राइनो गेंडा बुफेलो, तो एंड टू डियर और दो हिरण भी हैं उनके पैरों पर, अपीयर एट हिज फीट, लगभग 6 एनिमल्स हो गए। देयर वॉज द प्रिवेलेंस ऑफ, प्रिवेलेंस का मतलब प्रचलन पढ़िएगा इसको, प्रचलन था फैलिक को पढ़ते हैं लिंग, जैसे वो योनि था यहाँ पे फैलिक, लिंगम वर्शिप, तो लिंग वर्शिप भी होता था वहाँ पर, योनि वर्शिप भी होता था। और आगे देखें द शिव शक्ति वर्शिप, इस प्रकार जो शिव शक्ति की जो पूजा थी, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया, वाह वाह वाह। ये देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा का सबसे प्राचीन फॉर्म कौन सा था, तो वो शिव शक्ति है, शिव शक्ति। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अहम क्वेश्चन मैं मानता हूँ इसको। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप भारत में क्या था, तो आप इसमें बोलिएगा शिव शक्ति बोलिएगा, क्या बोलिएगा भाई, शिव शक्ति बोलिएगा भाइयों, प्यारे बच्चों शिव शक्ति आप बोलेंगे इसको। दूसरा इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, रिलीजियस बिलीफ ऑफ हरप्पन पीपल स्पेशली हम्ड कूबड़ वाला सांड, आज भी आप लोग देखते होंगे, अब चलता है कि नहीं चलता आप लोगों को याद नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है कि कूबड़ वाला सांड लेके बहुत लोग मांगने आते थे, गांव-गांव में जाते थे दान भिक्षा मांगने आते थे, कूबड़ वाला सांड याद है कि नहीं। तो ये जो है हम्प्ड बुल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राचीन है, बहुत अपडेट है इस पर, अगर आपको कभी, अब चूंकि आप सिविल में नहीं है नहीं तो इस पर इतना मस्त जो है कंपैरिजन होता था प्राचीन काल का और आधुनिक काल का। देखो सिंधु सभ्यता का आधुनिक काल से कई चीज़ों में कंपैरिजन होता है, टाउन प्लानिंग की कंपैरिजन आज भी जैसे नगर निगम जो है ना हमारे भारत के नगर निगम, जो सफाई नाली साफ सफाई शहर की व्यवस्था का देखभाल करते हैं, तो सिंधु सभ्यता की कंपैरिजन आज के जो है वो नगर निगम म्यूनिसिपैलिटीज से होती है, वहाँ की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था आर्किटेक्चर वो आज के शहर जैसे चंडीगढ़ है, जो वेल प्लान्ड सिटीज हमारे इंडिया में हैं उनसे कंपेयर होते हैं सिंधु सभ्यता का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगर हम लोग उसके देखें, अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स की बात कर लें, पर्यावरण के अनुकूल अगर भवन की कंपैरिजन कर लें, तो सिंधु सभ्यता के जो भवन थे वो पर्यावरण के अनुकूल थे। आज हम लोग जब मकान बनाते हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाने की बात करते हैं, इसी तरह की एक कंपैरिजन आप अगर नोटिस किए हों तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और ये सब समझ एक डेवलप करिए, ज़रूरी है, सब आना चाहिए बच्चों को। एक आपने देखा होगा वहाँ पे जो अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, आज उसकी भी हम लोग, आज के समय में नालियाँ खुली मिल जाती हैं तो मोहल्ले वाले सब लोग जो है वो कहते हैं कि अंडरग्राउंड करिए भाई, इसको बदबू आती है, गंदगी आती है, साफ़ सफाई की बात है, स्वच्छता अभियान से इसको जोड़ देते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव से जुड़ जाता है, ये बहुत 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 बड़ा वो है। फिर आप देखें अगर तो एक आपको, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, बीडी महाजन ने अपनी एक हिस्ट्री की किताब में लिखा है कि इंडस सिविलाइजेशन की सड़कें और उनके जो प्लान था वो ऐसे थे कि वहाँ की सड़कें सक्शन पंप का काम करती थी, यानी कि जो गंदी हवा थी गलियों की वो बाहर चली जाती थी, ऐसा उन्होंने एंगल बनाए थे, ऐसे एक समकोण पर उन्होंने बनाए थे, और जो ताज़ी हवा थी वो गलियों में आ जाती थी। तो ये जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उनका जो टाउन प्लानिंग था, आज हम पर्यावरण के अनुकूल भवनों के निर्माण की बात करते हैं, वो इंडस सिविलाइजेशन ने दुनिया को रास्ता दिखाया। अंग्रेज जो है इंडस सिविलाइजेशन को पूरा ठीक से तारीफ इसलिए नहीं कर सके क्योंकि अंग्रेजों को शर्म आती थी कि जिस देश पर हम शासन कर रहे हैं उस देश का 2500 ईसा पूर्व इतना सभ्य देश था, ये इतना विकसित देश था, तो शर्म के मारे उन्होंने इतिहास लेखन चूंकि उन्हीं के हाथ में रहा है। आप देखें तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन था
और इतिहास लेखन उसी दौरान तेजी पकड़ रहा था। तो सारा का सारा इतिहास लेखन जो है वो अंग्रेजों के लगभग नियंत्रण में रहा, और यही रीजन है देखिएगा बेटा, और यही रीजन है, हाँ सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल टिकाऊ विकास जिसकी बात करते हैं। तो आप अगर देखें, इतिहासकार जो अंग्रेजों के दौरान थे उन्होंने कभी खुलकर सिंधु सभ्यता की तारीफ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो दे यूज टू फील शेमफुल, शर्मिंदा महसूस करते थे कि द कंट्री दे आर रूलिंग वॉज वेरी मच डेवलप्ड 2500 ईयर्स बैक, 2500 साल, आज 2500 का, अब तो 2000 और जोड़ दें तो 4500 ईयर्स बैक, इतना साल पहले देश इतना विकसित था, वहाँ की सड़कों को, वहाँ की टाउन प्लानिंग को, वहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स की बात कर लीजिए। इसी तरह हम अगर धार्मिक बात करें तो, और दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम, अगर सामाजिक स्तर पर देखें, प्लीज़ एक लेक्चर है छोटा सुन लीजिए, इसके बाद मैं भी आ रहा हूँ। एट अ सोशल लेवल, सामाजिक स्तर पर देखें तो महिलाओं का जो उच्च स्थान सिंधु सभ्यता में था, बात समझे ना, महिलाओं को जो महत्वपूर्ण स्थान सिंधु सभ्यता में था, आज अमेरिका भी वो स्थान नहीं दे सकता है। भारत की बात छोड़ दीजिए, विकसित, बड़े से बड़ा विकसित देश भी उस बड़े, उस हाई पोजीशन पर महिलाओं को नहीं ले जा पाया जो इंडस सिविलाइजेशन में महिलाओं का पोजीशन था। अरे मात्र सत्तात्मक समाज की कल्पना की थी हमने वहाँ पर, हमने मात्र शक्ति की पूजा की थी वहाँ पर, हमने मात्र सत्तात्मक मात्र शक्ति की पूजा की हमने वहाँ पर। तो आप अगर सामाजिक स्तर पर कंपैरिजन करें तो भी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में कोई राजा नहीं था सिंधु सभ्यता में। पॉलिटिकल सेटअप देखें तो पश्चिमी जो पार्ट होता था शहर का, वहाँ पर बिजनेस क्लास माना गया, बिजनेस क्लास को माना गया, व्यापारिक वर्ग वहाँ पर, वणिक वर्ग वहाँ शासन करता था। तो एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी का एक ज्वलंत एग्जाम्पल, वी एक्सपीरियंस अ बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इवन इन द इंडस सिविलाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? हाँ, तो ये जो है इतिहासकारों ने, खासतौर से जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हमारी सिंधु सभ्यता के साथ न्याय नहीं किया, नहीं तो सिंधु सभ्यता का न्याय करते तो आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता। मेसोपोटामिया उस समय था और सबसे पुरानी सभ्यताओं में है भैया, चीन, मेसोपोटामिया, ये सब लगभग उसके आसपास की सभ्यताएं हैं, लेकिन कोई नहीं टिकता इंडिया के सामने। तो हमने अपने प्राचीन इतिहास को ठीक से विश्व पटल पर रखा ही नहीं। अगर हमने विश्व पटल पर अपने प्राचीन इतिहास को ठीक से रखा होता तो आज विश्व का गुरु वास्तव में भारत ही माना जाता। आपको याद है हमने नैनो टेक्नोलॉजी दी प्राचीन काल की, हमने पुष्पक विमान, आप जरा एक दो एग्जांपल दे रहे हैं हंसाने के लिए, इसके बाद मैं आता हूँ आपके, पुष्पक विमान रामायण काल में हमने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि जहाज बन सकता है रामायण काल में भी। हालांकि लोग ये मानते हैं भैया लिखा तो 18वीं शताब्दी में गया है, भले वो घटनाएं कभी की हों, लेकिन फिर भी हमने, जो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया उसके पहले हमने अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके बता दिया था कि लोग जहाज में बैठ के उड़ सकते हैं। हमने नैनो टेक्नोलॉजी, प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जड़ी बूटियों को इतना पीसा, इतना घिसा उनको कि उनमें नैनो टेक्नोलॉजी इफेक्ट आ गया, कण कण उसका जो है प्रभावी हो गया। ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो कल्चरल, जिसे हम लोग सॉफ्ट पावर बोलते हैं, आप जानते हैं सॉफ्ट पावर क्या होती है? इसी देश की सांस्कृतिक ताकत को सॉफ्ट पावर कहा जाता है, सॉफ्ट पावर, समझे बच्चों? अब आप थोड़े से और इंग्लिश के वर्ड्स देख लें, मैंने ये लेक्चर इसलिए दिया और तुम्हारा माइंड ओपन हो, दमदार खिलाड़ी बनिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप SSC पास करके एक छोटी नौकरी में चिपक के रह जाएं। मैं चाहता हूं कि जैसा हमारे कई स्टूडेंट SSC परीक्षा पास किए, इसके बाद वो PCS या IAS भी पास किए, मैं चाहता हूं कि आप अगला टारगेट आप उसी को बनाएंगे। ऐसा दिमाग विकसित करिए अपना, ऐसे विचार विकसित करिए अपने अंदर
ऐसी क्षमता अपने अंदर विकसित करिए कि आपको भी बड़ा सपना देखने का मन करे। और विश्वास करिए, माँ सरस्वती की ताकत वो ताकत है जो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बड़ी से बड़ी चीज़ों को पाना चाहते हैं, जितना बड़ा टारगेट आप अपने लिए तय करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बस माँ सरस्वती के ईमानदारी से साधक बनिए। आप बेहद गरीब परिवार में होंगे, माता पिता के पास पैसे नहीं होंगे आपको पढ़ाने के लिए ठीक से, लेकिन अगर आपने माँ सरस्वती की साधना कर ली अगर जी जान से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हीं माँ बाप को आप हवाई जहाज से यात्रा कराएंगे, अच्छे बड़े बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल्स में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इलाज करवाएंगे, उनको आप देश दुनिया की सैर करा सकते हैं माँ सरस्वती की ताकत से। भरोसा करना इस माँ सरस्वती की ताकत पर। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनका विकास माँ सरस्वती की साधना से होगा। आइए देखते हैं आगे। द रिमेन्स का मतलब अवशेष है, रैलिक्स जो होते हैं वे भी ध्वंस अवशेष होते हैं, ये भी अवशेष ही हैं, मलवा बोलते हैं इसको, डेबरी भी बोलते हैं, लेकिन रैलिक्स जो है थोड़ा सा जैसे कोई डेबरी में मतलब पूरा कचरा हो जाता है, लेकिन रैलिक्स में जो है कुछ भवन का पार्ट खड़ा रहता। रिवील द जूलिट्री एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप वेयर इन बोग, इन बोग का मतलब होता प्रचलन में, इन वोग आप नोट कर लीजिए, प्रचलन में, इन वोग प्रचलन, जैसे ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेज आर इन वोग दीज डेज, आजकल ऑनलाइन कक्षाएं प्रचलन में हैं। इन वोग का मीनिंग प्रचलन में होता है। हाँ, थोड़ा फ़र्क है, मैं बोला है इनवोक का जो मीनिंग होता है वो डेफिनेटली जो है वो प्रचलन होता है। आगे वाला देखें और इन्जॉय करिए। देयर इज एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के एविडेंस तो जानी रहा, साक्ष्य तो पिक्टोग्राफिक लिपि के साक्ष्य मिलते हैं ऑन सील्स, मुद्राओं पर, मुद्रा बनती थी जो। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, और इस लिपि को, हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, पढ़ा, नॉट बी डिसाइफर, नहीं गया, ये सब मैंने पढ़ा लिखाया, पढ़ा नहीं गया। अब देखो दो लाइन के बीच में लिखना पड़ता है ना, तो फिर स्वाभाविक है कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, मेहनत से देखना पड़ेगा उसको। मैं इसलिए बोलता जाता हूँ लगातार ताकि आपको समझ में आता रहे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। बस समझे बच्चों, मैं लगातार लिखता रहता हूँ। इसी तरह से एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, देखो जरा, द ओवरलैप ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स थे वो एक दूसरे पे इतने चढ़े हुए हैं, ऑन सम ऑफ द पोस्ट हर्स फ्रॉम कालीबंगा शो दैट राइटिंग वॉज बूस्ट्रोफेदन, बूस्ट्रोफेदन ये उनका स्टाइल था, शैली था उनका। शब्द ऐसे एक दूसरे पे चढ़े थे जैसे कि ये शब्द है, फिर ये शब्द है, फिर इसी में ये घुस गया, फिर इसी में ये घुस गया, इसमें ये घुस गया, इस तरह से जो थे, इस तरह से जो राइटिंग थी वो बूस्ट्रोफेदन राइटिंग थी। बूस्ट्रोफेदन ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, बूस्ट्रोफेदन। या बूस्ट्रोफेदन भी करते हैं इसको, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इसका ये चीज़ भी पूछा जाता है, स्क्रिप्ट कैसे थी, तो राइट टू लेफ्ट ये भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं थी या बाएं से दाएं, तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेटिव लाइन, तो पूरा ऐसे लिख लो, राइट टू लेफ्ट
एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरह से इंडस सिविलाइजेशन की जो है वो लिपि माने। तो दो पॉइंट यहाँ से आपके आएंगे, तीन पॉइंट आएंगे। एक तो आएगा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, चित्रात्मक लिपि है। दूसरा पॉइंट आएगा कि इसको पढ़ा नहीं गया। तीसरा होगा इसकी शैली, कहते हैं बोस्ट्रोफैदन या बोस्ट्रोफैदन। और चौथा कैसे लिखा जाता था, तो राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इतना आप यहाँ से उठा लीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत यहाँ से नहीं। अब जरा इसको देख लें क्या लिखा है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द हरप्पन स्क्रिप्ट। सबसे पुरानी लिपि जो है वो हरप्पा लिपि है, लेकिन ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, सबसे पुरानी पढ़ी गई, सबसे पुरानी पढ़ी गई लिपि, ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, सबसे पुरानी पढ़ी गई लिपि जो है वो ब्राह्मी है। तो प्लीज़ आप दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। सबसे पुरानी लिपि तो हरप्पन है, लेकिन सबसे पुरानी पढ़ी गई लिपि, सबसे पुरानी पढ़ी गई लिपि है ब्राह्मी लिपि, नोन फ्रॉम अबाउट 5th century BC। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी, और ज़्यादातर जो लिपियाँ डेवलप हुई वो ब्राह्मी से, यानी बाद वाली लिपियाँ किससे डेवलप हुई हैं हमारे देश में, वो ब्राह्मी से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अरे खरोस्टी लिपि यहाँ पे कहाँ से अभी चर्चा करेंगे, वो अफगानिस्तान वगैरह में पश्चिमी क्षेत्र में थी खरोस्टी, अफगानिस्तान में चलती थी वो। हाँ, और मज़ेदार लोग स्टेटाइट खड़िया, शायद खड़िया पढ़ते हैं क्या इसको, अब आप खड़िया सुने कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो है जिससे चौक सुने, चौक मिट्टी टाइप की होती है, उससे जो है वो मैन्युफैक्चर्ड सील्स होती है, सील जो मुद्राएं बनती थी वो स्टेटाइट की बनती है, काइंड ऑफ क्ले है। लेकिन ये हम्पलेस बुल बिना कुबड़ का सांड इज रिप्रेजेंटेड इन मोस्ट ऑफ द इंडस सील, ज़्यादातर जो हम्पलेस बुल मिला है सील्स पर, मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स में, तो आपको कहें कि अधिकांश सील्स पर क्या मिला, तो क्या मिला, हम्पलेस बुल, हम्पलेस बुल इसमें ज़्यादातर मिला है। हाँ, इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल, इनह्यूमेशन को आप अथवा से समझ जाएं, ये कंप्लीट बरियल है, पूर्ण शवाधान, किसी को इनह्यूमेशन भी बोलते हैं, वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल, ये सबसे आम विधि थी, और किस चीज़ की, डिस्पोजल ऑफ द डेड, डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की। अब यहाँ डिस्पोजल मतलब ठिकाने लगा देना या फिर सही जगह पे कर देना, तो ठिकाने अच्छा हिंदी शब्द है ठिकाने लगाना, या एक शब्द है निस्तारण का, तो डेड बॉडी के निस्तारण का सबसे कॉमन मेथड था डिस्पोजल का। प्रेपोजिशन भी पूछा गया, एसएससी ने पूछा है, ये एसएससी ने पूछा है डिस्पोजल का प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है बच्चों, डिस्पोजल ऑफ एग्जाम में प्रश्न बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कुछ लोग भाग गए हैं चुपके से, कोई बात नहीं, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने आज तैयार करवा दिए उतने आप एक साल से पढ़ रहे होंगे, लेकिन इतने सही ढंग से याद नहीं होंगे जितने सटीक ढंग से आज आपके याद हुए होंगे। मैं भी अनुभव ले चुका हूँ ना कि GS कितना तेज निकलता है दिमाग से, लेकिन अगर बार बार जोर देकर समझाया जाए, बार बार हाईलाइट करके समझाया जाए, तो फिर ये दिमाग पर बैठ भी जाता है आसानी से। बात समझ में आए कि नहीं है। आज जो है वो संडे को न्यूज़पेपर का बैच नहीं चलेगा, शाम को
हाँ लेकिन न्यूज़पेपर की जगह पे हो सकता है कि मैं करंट का एक और बैच लेके आऊँगा, शायद 9:30-10 बजे से, और कम से कम 11 बजे तक पढ़ाऊँगा, एकदम 2 घंटे पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर पढ़ाऊँगा आज, लेकिन न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ाऊँगा, संडे के दिन सब यही करूँगा। दिमाग ठिकाने लगाना होता, दिमाग सही करना, दिमाग ठिकाने लगाना अलग चीज़ है, ये हिंदी का फ्रेज है। स्वास्तिक एक जो सिंबल है, स्वास्तिक आप जानते हो जो बनता है ऐसे, क्यों भाई जानते हो बच्चों स्वास्तिक कि नहीं जानते हो? तो स्वास्तिक का जो सिंबल है प्रतीक, कैन बी ट्रेस टू, ट्रेस के साथ टू खोजा जा सकता है, कैन बी ट्रेस टू, ट्रेस का टू याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का, द इंडस सिविलाइजेशन। तो जो स्वास्तिक प्रतीक का जो मूल है उसको सिंधु सभ्यता में खोजा जा सकता है, अर्थात वो सिंधु सभ्यता में मिलता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इंद्र इज, इंद्र अक्यूज्ड का प्रेपोजिशन भी SSC ने एग्जाम में किया है, SSC CDS एंड सब मेयर वनडे एग्जाम में, जितना अंग्रेजी का वैरायटी SSC में आया उतना किसी एग्जाम में नहीं आया आज तक, सबसे ज़्यादा प्रयोग अंग्रेजी के SSC ने किए हैं, बैंक से भी ज़्यादा। इंद्र इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग, इंद्र को आरोप लगाया जाता है कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बनने का, यानी इंद्र पर सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बनने का आरोप इंद्र पर है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बच्चों, व्हीलर ने यह कहा था, व्हीलर का स्टेटमेंट है, यानी व्हीलर ने कहा था कि सिंधु सभ्यता के पतन का आरोप इंद्र पर जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा था, ऋग्वेद स्पीक्स ऑफ अ बैटल, अगर आप ऋग्वैदिक कल्चर पढ़ेंगे जब, तो ऋग्वेद में एक बैटल, एक लड़ाई की बात की है, ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़ाई कह लो या युद्ध कह लो भैया जो कहना हो, एक बैटल की बात करते हैं, जो प्लेस नेम्ड, एक स्थान जिसका नाम था हर यूपिया जो नामक स्थान है, HARIUMPIA विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइज एज हड़प्पा। तो ऋग्वेद में दासराग युद्ध करके आता है, 10 राजाओं का युद्ध, दासराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, इसको पढ़ेंगे हम लोग इंडस सिविलाइज, उसमें ऋग्वेद में ये किस स्थान पर लड़ा गया था, हरियुपिया में, जिसको हड़प्पा के तौर पर पहचान की जाती। अब ये देखो आइडेंटिफाइड विथ समथिंग, आइडेंटिफाइड के साथ विथ समथिंग आपको ध्यान रखना चाहिए, जिलाधिकारी की तरह पढ़ा करिए। एक हंसी जोक सुन लीजिए पहले, हमेशा जिलाधिकारी की तरह पढ़ा करिए, जिलाधिकारी से मतलब हमारा है कि जैसे जिला अधिकारी को एक साथ 10 ठों फैसले लेने पड़ते हैं, कहीं से फ़ोन आएगा कि सर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई, तो कहीं से उसको फ़ोन आएगा कि सर सड़क पर दुर्घटना हो गई है, एक बस टकरा गई है, वहाँ कई लोग घायल हैं, तो कहीं से उसको फ़ोन आ जाएगा कि पब्लिक जो है वो विद्रोह कर रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिन से पानी का संकट था, तो कहीं पे आ जाएगा सड़क चक्का जाम किए हैं, कुछ लोग सड़क जाम किए हैं। तो आपको जिलाधिकारी की तरह पढ़ाई करना चाहिए, जिलाधिकारी की तरह पढ़ाई करने का आशा है कि एक साथ अगर 10 चुनौतियाँ भी हों तो उनको डील करिए, जैसे हम यहाँ पर अंग्रेजी भी सीख रहे हैं, हम यहाँ पर अगर कोई प्रेपोजिशन आएगा, कोई अंग्रेजी का अच्छा शब्द आएगा उसको भी उठा लेंगे यहाँ से, है ना? हाँ सही कहा आपने राजू यादव, आप राइट हैं, तो हम प्रेपोजिशन उठा लेंगे, हम शब्द उठा लेंगे, हम GK का यानी सामान्य अध्ययन का कोई महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको हम पिक कर लेंगे यहाँ से। तो बहुत ही स्मार्ट ब्रेन से पढ़ने की ज़रूरत है, स्मार्टली अगर हम पढ़ते हैं, स्मार्ट ब्रेन से अगर हम पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक स्मार्ट कॉम्पिटिटर बनेंगे और एक साथ कई चीज़ों पर आपकी नज़र बनी रहेगी, तो आपकी तैयारी में गति आएगी और आप नौकरी की तरफ बढ़ जाएंगे। द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव, मेजॉरिटी माने अधिकांश जो विद्वान हैं मानते हैं कि
सिंधु सभ्यता के मेकर्स माने यहां पढ़ोगे निर्माता वर द्राविड़ियन। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो सभ्यता के निर्माता थे वो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, द्रविड़ प्रजाति के लोग। द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, अब देखो कौन कौन कंटेम्प्रेरी थी जरा याद कर लो। सिंधु सभ्यता की समकालीन कौन कौन सिंधु सभ्यता के समकालीन था, तो मेसोपोटामिया था, मिस्र था। और मेसोपोटामिया का मतलब है यहां पे इराक से, और चाइना। तो इराक में एक कल्चर थी, एक मिस्र में थी और एक चीन में थी। तीन सभ्यताएं जो थी वो भारत की सिंधु सभ्यता, और एक इंडिया में यानी भारत। तो भारत, मिस्र और चीन, ये तीन ऐसी सभ्यताएं थी जो प्राचीन काल की सभ्यताओं के तौर पे इनको देखा जाता है। बच्चों आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि ये पूरा इंडस सिविलाइजेशन का आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ा है, अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज मुझे एक बार आप अपना समर्थन दे दें, क्योंकि अब ज्यादा हो जाएगा तो दिमाग में चढ़ेगा नहीं आपके। कल से हम लोग जो है, या किसी भी दिन किसी भी टाइम अगला वीडियो जो आपको मिल जाएगा वो वैदिक कल्चर हम पूरा पढ़ाएंगे, और वैदिक कल्चर के कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की नज़र से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप तक आने वाले हैं द नेक्स्ट वीडियो। आप इंतज़ार करिए हमारे द नेक्स्ट वीडियो का, जीके के नाम से आएंगे, और अच्छा थंबनेल भी अभी हम बनवा लेते हैं तो उसको डलवा देंगे, उसमें आपको टाइटल ही पड़ा रहेगा है ना, वैदिक कल्चर, यही टाइटल ही हम डलवा देंगे, वैदिक कल्चर। आसानी से आप खोज पाएंगे और आसानी से इन चीज़ों को आप पढ़ पाएंगे, मुझे उम्मीद है और भरोसा भी है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियोज अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ये मुझे चाहिए, आपका लाइकिंग मुझे चाहिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और नेक्स्ट ऐसे वीडियोज आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, तो वहाँ पे एक जी जनरल स्टडी जीके इस नाम से, जीके हालांकि जीएस या जीके के नाम से हम लोग डालेंगे तो जीएस से डाल देंगे, जनरल स्टडी या जीके, तो जीएस प्लस जीके के नाम से प्लेलिस्ट में एक वीडियो की लिस्ट होगी, उसमें ये सब आपको मिल जाएंगे। एक लिस्ट आपकी होगी करंट अफेयर्स की, उसमें आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा लगातार, करंट अफेयर। एक लिस्ट आपकी जो है एमबी बुक प्रैक्टिस है, उसमें आपको सारे वीडियो एमबी बुक प्रैक्टिस के मिलेंगे। एक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का है, उसमें सारे फंडामेंटल्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे। और एक आपका द न्यूज पेपर रीडिंग का वीडियोज़ का लिस्ट है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको सब मिलेंगे। न्यूज पेपर रीडिंग का है, उसमें आपको न्यूज पेपर रीडिंग के माध्यम से जो भी जानकारियाँ हैं वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। और एक सक्सेस स्टोरी का है, जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं, अब चूँकि अभी शुरुआत की हमने इस ऑनलाइन की, लेकिन बच्चे मेरे हज़ारों हैं, ऊपर वाला चाहेगा तो सबसे जुड़ेंगे, तो वो वीडियोज़ भी आपको सुनने को मिलेंगे। और मज़ा आएगा कि बच्चे इतने सारे सेलेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म से होते रहें। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है, हमने ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन जब हमारे संपर्क में लोग आएंगे तो अपने वीडियोज़ एक एक मिनट के वो हमें ज़रूर देंगे कि किस सन में वो तैयारी करते थे और कहाँ से वो सिलेक्ट हुए। तो एक दिन ऐसा होगा कि आप सैकड़ों वीडियोज़ सक्सेस स्टोरी के भी सुनेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, हज़ारों वीडियोज़ हैं। लड़के तो बहुत हैं लेकिन कुछ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे विभागों में नौकरी करते हैं कि वो अपनी परिचय नहीं देना चाहते हैं। तो यस सनी भाई, मेरा हर तरह से हमला है, हमारे बच्चों के साथ हम टीम बना के अटैक करेंगे आगामी परीक्षाओं पर, और आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना है इसकी कोशिश करेंगे। आने वाला समय रहेगा तो मैथ्स का, रीजनिंग का भी हम लोग जो है एक टीम का हिस्सा बनाएंगे लोगों को, और इस चैनल से बहुत ही क्वालिटी मैथमेटिक्स, क्वालिटी रीजनिंग के भी क्लास यहाँ से चलवा देंगे। जो जो हो सकता है संभव हम सब करेंगे। अच्छे बच्चे हमारे पास, बहुत अच्छे टीम मेंबर्स हैं जो मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में अच्छे एक्सपर्ट हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं वो, तो उनके साथ भी हम काम करेंगे आने वाले समय में। और इस इंग्लिश ओरेकल चैनल को फिर हम लोग आगे चल के जब हर विषय की पढ़ाई होगी तो आर के ओरेकल्स करके इस चैनल को चलाएंगे, ताकि हर विषय के लोग अपना चैनल इसको समझ पाएंगे
और मन लगा के इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम, टेक केयर।